क्लास एट मैथ एनसीईआरटी सीबीएसई के बुक से चैप्टर नंबर 4, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 में पेज नंबर 62 का थिंक डिस्कस एंड राइट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया था, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे हम आ गए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, कैन यू कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल PQRS, क्या एक PQRS क्वाड्रिलेटरल आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जबकि PQ 3 सेंटीमीटर, RS 3 सेंटीमीटर, PS 7.5 सेंटीमीटर, PR 8 सेंटीमीटर और SQ 4 सेंटीमीटर है। जस्टिफाई योर आंसर, यदि कर सकते हैं तो आंसर को जस्टिफाई कीजिए और नहीं तो भी आप जस्टिफाई कीजिए, ठीक है। तो अब हम इसको कंस्ट्रक्ट करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। सबसे पहला हमने क्या किया, PQRS एक रफ हमने बना लिया, PQRS बनाना है, एक रफ हमने बना लिया, ठीक है। और इसमें क्या दिया हुआ है कि PQ 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर लिख दिया, RS 3 सेंटीमीटर, R और S ये भी 3 सेंटीमीटर लिख दिया, ठीक है। PS, P और S ये 7.5 सेंटीमीटर लिख दिया, ठीक है। उसके बाद हमने PR 8 सेंटीमीटर, PR ये वाला जो है वो 8 सेंटीमीटर, यहाँ पे 8 सेंटीमीटर कर दिया। और SQ जो है ये है 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर कर दिया, ठीक है। जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है। अब हम इसको बनाने का ट्राई करते हैं। तो बनाने में हम क्या करते हैं, PR is equal to 8 सेंटीमीटर, सबसे बड़ा डायगोनल 8 सेंटीमीटर का PR है, SQ जो है 4 सेंटीमीटर, इसलिए हम PR डायगोनल का को सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं। आप कहीं से भी कुछ भी बनाइए, लेकिन हाँ जो आंसर मैंने लिखा उससे आपको थोड़ा हट के आंसर लिखना हो जाएगा। यदि ऐसा का ऐसा ही बनाएंगे तो आंसर सेम टू सेम रहेगा, क्योंकि कहाँ पे आपको बनाने में प्रॉब्लम हुआ है उसको ही आपको बताना होगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, PR कर लेते हैं। PR कितना है, 8 सेंटीमीटर, ये आपका 8 सेंटीमीटर हो गया PR, ठीक है। अब क्या है, Q पॉइंट लेना है, ठीक है, और S पॉइंट लेना है। तो हम चाहें तो ऊपर का PR से ऊपर का ये भी क्यू पॉइंट ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन क्यू पॉइंट को ड्रॉ करने में देखिए एक तकलीफ ये है कि PQ का डिस्टेंस दिया हुआ है लेकिन QR का डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, ठीक है। नीचे वाला पॉइंट देखें तो PS दिया हुआ है, RS दिया हुआ है, इजी हमको नीचे वाला लग रहा है, तो सबसे पहले नीचे वाला ड्रॉ कर लेते हैं। PS इक्वल टू 7.5, PS इक्वल टू, ये 7.5 PS हो गया, ठीक है। PS 7.5 हो गया। RS कितना है, 3 सेंटीमीटर, तो RS 3 हमने ये लिया 3 सेंटीमीटर, R से S 3 सेंटीमीटर का मार्किंग कर दिया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, ये यहाँ पे है, ये हम दिए, तो ये हमारा क्या हो गया, पॉइंट S हो गया, PRS हमारा आ गया, ठीक है, PRS हो गया। अब क्या करना है हमको, पॉइंट Q बनाना है। PQ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो PQ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर आप ले लीजिए, ठीक है। PQ 3 सेंटीमीटर ये मैंने बना लिया, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले आप इसको कंप्लीट कर ही लीजिए, क्योंकि कंप्लीट करने के बाद हमको थोड़ा थोड़ा क्या है प्रॉब्लम समझ में आ जाएगा कि ये ड्रॉ तो हो नहीं पाएगा, तो ड्रॉ क्यों नहीं हो पाएगा, उसका प्रॉब्लम समझ में आएगा हमको। तो PQ 3 सेंटीमीटर हमने एक
ले लिया, 3 सेंटीमीटर रेडियस का एक आर्क ले लिया, उसके बाद आर से क्यू का डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, ठीक है, आर से क्यू का डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, तो कौन सा डिस्टेंस दिया हुआ है, एस से क्यू का डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है, क्यू का डिस्टेंस कहाँ कहाँ दिया हुआ है, ये डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, क्योंकि क्यू पॉइंट पे कितने लाइन आके मिलते हैं, तो आर क्यू मिलते हैं, एस क्यू मिलते हैं और पी क्यू मिलते हैं, पी क्यू ऑलरेडी हमने ले लिया, आर क्यू का हमारे पास लेंथ है ही नहीं, एस क्यू का लेंथ है 4 सेंटीमीटर, तो अब हम एस क्यू पकड़ेंगे, ठीक है, एस क्यू कितना है 4 सेंटीमीटर, तो ये हमने 4 सेंटीमीटर एस से क्यू ये इस वाले रेडियस को काटने के लिए ये हमने ये ऐसा लाइन खींचा, ये इंटरसेक्ट नहीं हुआ, तो इसको थोड़ा सा हम और ये वाले आर को हम थोड़ा सा और हम बढ़ाने की ट्राई करते हैं, हो सकता है कहीं कट जाए, ये नहीं कटा, ठीक है, इंटरसेक्ट नहीं हुआ, ये फिर से लिए, ये देखिए इंटरसेक्ट नहीं हुआ, ठीक है, यानी कि पॉइंट क्यू जो है हम लोकेट नहीं कर पाए, ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि हम क्यू पॉइंट को लोकेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पी आर एस ट्राइंगल को हम इजीली बना लिए, ठीक है, लेकिन जब ट्राइंगल पी एस क्यू बनाने को गए, पी एस क्यू यदि बन गया होता तो इससे इसको मिला देते तो क्वाड्रिलेटरल बन जाता, पी एस क्यू जब बनाने को गए तो पॉइंट ही अपने को नहीं मिला, ठीक है, तो हमको इन्हीं चीज़ों को इसमें लिखना है, ठीक है, पहले हमने थिंक डिस्कस एंड राइट किया हुआ है, सेम टू सेम लगभग वैसा ही है, फर्क बस यही है कि उस समय लोकेट, उस समय हमने एक ये ट्राइंगल लिया था और एक ऊपर वाला ट्राइंगल लिया था, ठीक है, इस बार हमने ये ट्राइंगल लिया और फिर ये वाला ट्राइंगल लिया, ठीक है, ये नहीं लेके पी आर क्यू नहीं लेके पी एस क्यू लिया, क्योंकि पी एस क्यू के भी बनने से यदि ये ट्राइंगल बन जाता तो भी यहाँ से इसको मिला देते तो भी हमारा काम हो सकता था, तो लेकिन यही नहीं बना, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, फॉर कंस्ट्रक्टिंग क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस ठीक है, फर्स्ट वी ड्रॉ सबसे पहले हम क्या ड्रॉ करते हैं, ट्राइंगल पी एस आर ओके, पी एस आर हम ड्राइंग करते हैं, ठीक है, ड्रॉ हो गया, एंड देन या डायरेक्ट कर लीजिए, देन ट्राई टू ड्रॉ ट्राइंगल पी एस क्यू, ओके, पी एस क्यू का ट्राई करते हैं बाय लोकेटिंग पॉइंट क्यू को लोकेट करके, ठीक है, ट्राई करते हैं, लेकिन क्या होता है, इस बार फिर से क्या होता है कि पी क्यू प्लस एस क्यू इज लेस देन पी एस है, ठीक है, पी एस से पी क्यू और एस क्यू क्या है, लेस है, ये 7.5 है, जबकि ये ओनली 3 है और ये ओनली 4 है, तो 3 और 4 7 हुआ, 7.5 भी नहीं हुआ, 7.5 होता तो इस लाइन पे कोई पॉइंट मिल जाता, लेकिन 7.5 भी नहीं आया और उससे ज़्यादा होगा तभी हमारा ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल बनेगा, ये ट्रायंगल यदि बन गया तो ये पॉइंट मिला देगा, तो क्वाड्रिलेटरल तैयार है, ऊपर मिल जाए या नीचे कहीं भी हो जाए, लेकिन क्वाड्रिलेटरल तो बन जाएगा, ठीक है, तो
क्योंकि लेंथ में प्रॉब्लम है तो नहीं हो सकता है। और उसमें भी मैंने ये स्टेटमेंट लिखा था कि क्लास सेवन में ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, एंड फॉर एनी ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल के लिए मेन क्या है, एनी ट्राइंगल सम ऑफ लेंथ ऑफ क्या है, सम ऑफ लेंथ ऑफ, सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स, एनी टू साइड्स, ठीक है, सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, ऑफ ए ट्राइंगल, ठीक है, इज ग्रेटर देन, इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ, द लेंथ ऑफ थर्ड साइड, थर्ड साइड, ठीक है, ये क्या है, स्टेटमेंट है। एंड फॉर एनी ट्राइंगल सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज ग्रेटर देन, ग्रेटर होना ही चाहिए देन द थर्ड साइड, थर्ड साइड से ये ग्रेटर होना ही चाहिए, इसलिए सो ठीक है, दिस ट्राइंगल, दिस ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल पी एस क्यू, ठीक है, कैन नॉट बी ड्रॉन, कैन नॉट बी ड्रॉन, ठीक है, इसको ड्रॉन नहीं किया जा सकता है। सो अगेन क्या है, दिस क्वाड्रिलेटरल, दिस क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस कैन नॉट बी ड्रॉन, इसलिए ये क्वाड्रिलेटरल भी ड्रॉन नहीं किया जा सकता है, ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल भी ड्रॉन नहीं होगा। आगे समझ में,